नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद है गरीबी को हराना और गरीबों का आत्मविश्वास बढ़ाना। आवास योजना से जोड़ी गई मनरेगा, उज्ज्वला, सौभाग्य जैसी योजनाएं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में एयर डिफेंस रडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार करेगी वायुसेना। एयर मार्शल राजेश कुमार से मुलाकात में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, वायुसेना को उपलब्ध कराएंगे जमीन। देहरादून से नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आज से फिर हुआ शुरू। कोरोना के चलते बंद की गई थी ट्रेन, यात्रा के लिए रिजर्वेशन होगा जरूरी। और बागेश्वर जिला अस्पताल के सभी वार्डों में मरीजों को मिलेगी ऑक्सीजन की सुविधा। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 14 जंबो सिलेंडर और 86 प्वाइंट लगाए गए। कोरोना के साथ अन्य मरीजों के लिए बड़ी राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को सिर्फ आवास उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत, मनरेगा, उज्ज्वला और सौभाग्य जैसी विभिन्न योजनाओं को गरीबों के आवास योजना से जोड़ा गया है, ताकि सामूहिक प्रयासों से गरीबों का सपना पूरा किया जा सके। ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके। कड़ी परिश्रम के बाद जब रात को थका हुआ वो जब घर पहुंचे तो मेरा गरीब भाई चैन की नींद सो सके और अगले दिन फिर बाप तारों ताजा होकर फिर काम से निकल पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आवास योजना में लाभार्थी के चयन से लेकर गृह प्रवेश तक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। भवन निर्माण में मटेरियल से लेकर निर्माण तक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध और उपयोग होने वाले सामानों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। घर बनाने के हर चरण की पूरी मॉनिटरिंग के साथ लाभार्थी खुद अपना घर बनाता है। जैसे जैसे घर बनता जाता है, घर की किश्त भी उसके खाते में जमा होती जाती है। वायुसेना सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में एयर डिफेंस रडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार करेगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार वायुसेना को भूमि उपलब्ध कराएगी। वायुसेना की सामरिक तैयारियों की मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वायुसेना और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। एयर मार्शल ने मुख्यमंत्री से पंतनगर, जौलीग्रांट और पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विस्तार के साथ ही चौखुटिया में एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। एयर मार्शल ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उत्तराखंड जैसे सीमांत क्षेत्र में रडार और एयर स्ट्रिप की सुविधा जरूरी है। मुख्यमंत्री ने भूमि की उपलब्धता के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। ये अधिकारी संयुक्त रूप से आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हित कर आगे की कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने प्रदेश के पंतनगर, जौलीग्रांट, पिथौरागढ़ सहित अन्य हवाई अड्डों की स्थिति के बारे में बताया। राजस्व सचिव सुशील कुमार ने बताया कि जनपद अल्मोड़ा के ग्राम भैंसोली में एयर डिफेंस रडार की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित की गई है। अन्य स्थानों पर जगह का चयन करने के बाद भूमि उपलब्धता की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पौड़ी के कांसखेत खंडियाल क्षेत्र में स्थानीय संस्था के पहाड़ी उत्पादों के पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। यहां दक्षिण अफ्रीकी अनाज किनवा की बुवाई की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को भी देखा। कोरोना के समय गांव लौटे युवाओं को खेती से जुड़ा देख मुख्यमंत्री ने खुशी जताई।
ये एक बहुत ही अच्छा अनाज है किनवा। ये बेसिकली वैसे अफ्रीकन और पेरू जैसे देशों की फसल है। ये बहुत कम पानी में पैदा हो जाती है। इसकी खासियत ये कि ये चावल और दाल यानी इसे प्रोटीन भी है। चावल और दाल अगर आपने इसको नमक डाल के खा लिया तो दाल के भी जो प्रोटीन है वो उसमें मिल जाता है, तो उसको भी उन्होंने वहाँ पर किया। तो बहुत अच्छा प्रयोग है। जो हमारे बच्चे जो बाहर से आए हैं उन्हें बड़ा उत्साह था। उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। किसानों के खेतों के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने पौड़ी के जिला मुख्यालय में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। जिला योजना के बजट से पौड़ी के लिए 79,86,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से जिले को 42 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, 40 करोड़ रुपए विभागों को दिए जा चुके हैं। प्रवासियों को रोजगार देने के लिए उद्यान खेती पशुपालन और मछली पालन पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौर में 50% से अधिक बजट खर्च करना बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ कि कोविड के बावजूद अभी तक 30% बजट का इस्तेमाल यहाँ के जिले में किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। भारतीय रेलवे आज से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर को चालू की गई थी। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी होगा और बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में तकरीबन 6 महीने बाद देहरादून से नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन आज से फिर शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही अब देहरादून से चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। मुख्य टिकट निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। उन्हें ट्रेन के रवाना होने से 1.5 घंटा पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यहां थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रेन में प्रवेश मिलेगा। सामान्य से अधिक तापमान होने पर किसी भी यात्री को सफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज से केंद्र सरकार द्वारा 40 जोड़ी ट्रेनों का संचालन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें कि एक ट्रेन जिसका नंबर 024/2 है, जो कि देहरादून से कोटा और कोटा से देहरादून चलने का निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन आज रात 10:50 पर राजस्थान के कोटा के लिए रवाना होगी। बागेश्वर जिला अस्पताल में अब सभी वार्डो में मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 14 जंबो सिलेंडर और 86 पॉइंट्स लगाए गए हैं। इससे अब अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहेगी। कोरोना को देखते हुए जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा मिलने से गंभीर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही सांस और दमा के रोगियों को भी ऑक्सीजन मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सुविधा का शुभारंभ करने के बाद जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। एक हॉस्पिटल में हमारा आज सेंट्रलाइज्ड जो ऑक्सीजन सिस्टम है उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। और बेसिकली जितने भी हमारे वार्ड्स हैं वहाँ पे पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पे अगर जो हमारे पेशेंट्स हैं जिसको खासकर ये सांस से रिलेटेड परेशानी होती है, तो उसको ये ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसमें जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है वहाँ पर अभी हमारे 14 जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने रखे हैं, जिसमें 12 जो है वो सामान्य कार्य के लिए है। बागेश्वर में इससे पहले पर्याप्त ऑक्सीजन सुविधा न होने से गंभीर रोगियों को इलाज के लिए हल्द्वानी या दूसरे बड़े अस्पताल जाना पड़ता था। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 995 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में अब तक के सबसे अधिक यानी 281 मामले सामने आए। राज्य में 9,294 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 388 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में आज पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अगुवाई में गोपेश्वर सहित जिले की सभी अदालतों में ऑनलाइन मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद जैसे मामले निपटाए गए। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि कोरोना के कारण पहली बार ई लोक अदालत आयोजित की गई, ताकि लोगों को घर पर रहकर ही न्याय मिल सके। लोक अदालत में
पूरे चमोली जनपद में लंबित मामलों में कुल 47 मामलों का निस्तारण किया गया और उन 47 मामलों में 58,65,559 रुपए प्रतिकर के रूप में दिलाए गए। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में प्री लिटिगेशन के भी 3 मुकदमे निस्तारित किए गए हैं और उसमें 3,50,000 रुपए की धनराशि का निर्धारण किया गया है। हाल ही में लंदन के प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी जर्नल में रामनगर में मिले जीवाश्म को लेकर शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। जीवाश्म विज्ञानी क्रिस्टोफर गिलबर्ट और उनकी टीम ने वर्ष 2015 में रामनगर में करीब 1.3 करोड़ साल पुराने दांत की खोज की थी। गिलबर्ट ने आज के जीवित और विलुप्त हो चुके वानर प्रजातियों से इसकी तुलना की, जिसके बाद पता चला कि ये नई वानर प्रजाति का जीवाश्म था। वैज्ञानिकों का है कि यह एक विशेष खोज है, इसे प्राणियों के उद्भव के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। रामनगर वन प्रभाग के बराती रॉ फॉल के नजदीक जीवाश्म मिलने पर पर्यावरणविद संजय छिमवाल कहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र का अधिक अध्ययन करने की जरूरत है। ये चूने की यहाँ पर चट्टाने हैं और अभी एक इंटरनेशनल जर्नल में एक शोध भी प्रकाशित हुआ है जहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक नई फाइंडिंग हुई है कि लगभग 13 मिलियन वर्ष पुराना एक प्रजाति का, जो बंदरों की एक प्रजाति समझिए, उसका एक जीवाश्म यहाँ पर मिला है, उसका निचला जबड़ा उनको मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है और मेरा मानना है कि अगर इसमें हम और ज़्यादा रिसर्च करें तो निश्चित रूप से कुछ नई यहाँ पर फाइंडिंग्स आएंगी। कॉर्बेट के जंगलों में कई तरह के फॉसिल बिखरे दिखाई देते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों की भी इसमें दिलचस्पी होती है। पर्यटन के लिहाज से भी ये जानकारियां अहम हो सकती हैं। जो एक पर्यटन को ये एक और ये एक स्पेशलाइजेशन मिलेगा, जो आसपास के लोग हैं वहां पर अगर उनको इसके बारे में ट्रेन करा जाता है तो एक वो ये एक अच्छी बात है हमारे एरिया के लिए। कई पर्यटक आते हैं जो पुराने पुरातत्व के विभाग से हम लोगों से जानकारी लेते हैं। उस जानकारी के मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक टोली आज भी आई थी और जिनको मैं आज पूरा अपना कहना चाहिए बराती रो झरना, यानी कि 1.5-2 किलोमीटर पूरा इनको नदी नाले दिखा के लाया हूँ, जो इनमें इन्होंने अभी रिसर्च भी की है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद है गरीबी को हराना और गरीबों का आत्मविश्वास बढ़ाना। आवास योजना से जोड़ी गई मनरेगा, उज्ज्वला, सौभाग्य जैसी योजनाएं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में एयर डिफेंस रडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार करेगी वायुसेना। एयर मार्शल राजेश कुमार से मुलाकात में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, वायुसेना को उपलब्ध कराएंगे जमीन। देहरादून से नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आज से फिर हुआ शुरू। कोरोना के चलते बंद की गई थी ट्रेन, यात्रा के लिए रिजर्वेशन होगा जरूरी। और बागेश्वर जिला अस्पताल के सभी वार्डों में मरीजों को मिलेगी ऑक्सीजन की सुविधा। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 14 जंबो सिलेंडर और 86 पॉइंट्स लगाए गए। कोरोना के साथ अन्य मरीजों के लिए बड़ी राहत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।